कोरोना मरीजों की संख्या का ग्राफ फिर बढ़ने लगा है। लगातार कई दिन राहत के बाद मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से 50 के पार पहुंच गया है। बुधवार को 24 घंटे के अंदर केवल 52 नए मरीज मिले हैं। खास बात यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,868 पहुंच गया है। इनमें से 19,116 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 320 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 432 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। अचानक कोरोना की रफ्तार बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार रोजाना 3,000 से 4,000 के बीच कोविड-19 के मरीजों की जांच की जा रही है। एंटीजन और आरटीपीसीआर की जांच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की जांच लगातार की जा रही है। बुधवार को मिले कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 28 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 12 मरीज शामिल है। इसके अलावा तिवारीपुर और राजघाट में एक एक, गोरखनाथ रामगढ़ताल में 2, कोतवाली में 4 और शाहपुर थाना क्षेत्र में 8 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 18 नए मरीज मिले हैं। इनमें सहजनवा और पिपराइच में 1-1, भटहट में 2, चरगावा में 6 और कोराबार में 8 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 6 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इसमें विशेष सतर्कता बरतने होंगे क्योंकि वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है, इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।